क्या ये बात घर बेच रहा है? हाँ और क्या, वो किस लिए? अरे समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा था कि गुड्डू बिगड़ रहा है इस मोहल्ले में, किसी अच्छे से इलाके में घर बनाऊंगा। अम्मी सीधी बात है, घर तो नहीं बिकेगा। हाँ क्या मतलब? जहीर को पता चल गया तो क्या वो इस मामले में खामोश रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जहीर का इससे क्या वास्ता? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, ये जायदाद सिर्फ इबाद की नहीं है, हम दो बहनें भी हैं। जाहिर है घर अब्बू के नाम पर है तो विरासत में हम दोनों बहनों का हिस्सा भी तो बनेगा ना। अरे भाई बड़ा ही लालच और हिर्स भरा है तुम लोगों में। अभी तो इतनी भारी रकम लेकर गई हो, किस हिस्से की बात कर रही हो? अम्मी शरीयत तो शरीयत है ना, जहेज दे दे या कर्जे हंसना, वो लाखों का भी हो ना तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो जायदाद का हिस्सा है ना, ये शरीयत के मुताबिक बेटियों को देना पड़ता है, ये माफ नहीं हो सकता, इसे तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। देख लो अम्मी, अगर ये बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर ना कहना औलाद में फूट डलवा दी। बात सुन मेरी, ये मकान तेरे अब्बा के नाम पे है, और मकान बनाने के लिए जो तेरे अब्बा ने बहुत सारा कर्ज उठाया था ना, वो तेरे भाई ने बाहर जाकर पैसा कमाकर कर्ज उतारा है। इबाद जो मर्जी करता रहे, जायदाद तो अब्बू के नाम पर है ना, वो हमारी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं बेच सकता। उसे कहें कि वापिस जाए और जाकर नौकरी करे, वही ठीक है उसके लिए। देख साइमा, तेरा दिमाग खराब मत कर तू, तू जब भी बोलती है ना उल्टा ही बोलती है। फोन किया था कि थोड़ा सा बात करूंगी, कुछ दिल को ठंडक मिलेगी, तुमने तो मुझे और ही ज्यादा बेसकून कर दिया है। बस रखती हूँ मैं फोन, अब मजीद मैं किसी बखेड़े में नहीं पड़ सकती। खुदा हाफिज़।